अब अगला प्रश्न नहीं, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब जरा ये बताइए कि खाने पीने में कुछ ऐसा है क्या जिससे बीपी भी कंट्रोल रहे और जायका भी बना रहे? तो पाकशास्त्र की तैयारी आप करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। गर्मी के मौसम में कैसे बिगड़ा वात पित्त और कफ का संतुलन? त्रिदोष के अटैक से इम्यूनिटी हुई वीक, किस हर्बल थेरेपी से होगी ठीक? स्वामी रामदेव का यौगिक सेशन मिटेगी 100 रोग की टेंशन, तो कल का यौगिक सेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और गर्मी में त्रिदोष बैलेंस कैसे रहेगा ये कल बताएंगे स्वामी रामदेव। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी आज क्या खास है पाकशास्त्र में? पूरे देखो, पाकशास्त्र में हमने लौकी का जूस तो कई बार बताया, और ये लौकी ऑर्गेनिक है। आप कहेंगे फिर जी एक काउंटर नोएडा में भी खोल दे इंडिया टीवी के पास। बिल्कुल तो ये हम अपने खेतों में ऑर्गेनिक लौकी पैदा करते हैं डॉक्टर साहब। ये जो शहरों वाली लौकी है ना, जो गंदे नालों के आस पड़ोस जो पैदा होती है, उसको उससे सड़ जाती है 2 दिन के अंदर, तो बदबू आने लगती है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं लोग। अब इसमें थोड़ा पुदीना धनिया डाल करके पियो, थोड़ा अनानास डाल दो और स्वादिष्ट हो जाता है। इसके अंदर अनानास डाला जा सकता है तो फिर ये लौकी का जूस स्वादिष्ट हो जाता है। इसमें नींबू डाल के भी पी सकते हैं, और ये ककड़ी खा सकते हैं। ये छोटी वाली ककड़ी है, ऑर्गेनिक है डॉक्टर साहब, खा लो, बड़ी मज़ेदार है। ये जो पतली पतली ककड़ी होती है ना, और अच्छी लगती है, ये बीपी को नॉर्मल करते हैं। ये ककड़ी भी, ये लौकी भी, ये अनानास भी, और ये कद्दू, ये भाई साहब आपके लिए घर ले जाना, खराब नहीं होता है। और ये अनार भी जो है ना, अनार जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट को अच्छा रखता है, ब्लड को प्योरीफाइड करता है, खून को बढ़ाता है। अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, आलू वगैरह से तो 1 सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। फिर ये कड़ी पत्ता, ये बीपी को नॉर्मल करता है। कड़ी पत्ता बहुत ही, और इससे स्वाद अच्छा हो जाता है। कड़ी में ही नहीं, साउथ में तो हर सब्जी में अक्सर डाल देते हैं, और आजकल ये अजवाइन जैसा पत्ता भी आ गया है। अब ये गमलों में मिलने, गमलों की शोभा बन रहा है, घरों की शोभा बन रहा है। इसको भी आप साग सब्जियों में भी मिला सकते हैं, इसकी चाय भी बना करके पी सकते हैं। और तुलसी का तो 1 से 3 पत्ता पेट में चला गया तो सारा इन्फ्लेमेशन, सारी गंदगी, सारी टॉक्सिन, सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देता है। चिड़ियों को कितनी मस्ती आ रही है वहाँ। और नीम पत्ता सुबह सुबह खा लिया, नीम बड़ा ठंडा होता है। हाँ, चिड़िया बहुत है यहाँ, कोयल बहुत है। कड़ी पत्ता बड़ा अच्छा होता है, नीम पत्ता और अच्छा होता है। राजस्थान में 2 ही पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं, नीम लगा दो 50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ भी। और जांडी क्या बोलते हैं उसको, शमी जांडी, कैर सांगरी बोलते हैं ना, कैर और सांगरी, शमी भी बोलते हैं और कैर सांगरी। बाकी बातें आपसे कल जानेंगे। ये बड़ी घड़ी कह रही कि आपसे इजाज़त ली जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का पाकशास्त्र इतना ही, अब उपचार के बाद समाचार सुनाओ आप। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।